अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज चावल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें बस अलग अलग चावल, बिल्कुल अलग अलग चावल। साजन भाई फंस गए अब, ऐसे पता नहीं अब पता नहीं क्या हो गया। देखें तो सही, सफाई भी नहीं है इनके अंदर बिल्कुल भी। ये देखें, हेलो ये देखे वो फट गया। छाप है फट गया है या ये क्या है? सुबह का टाइम है, माशाल्लाह से बहुत ही बारिश हुई है सुबह सुबह के टाइम। अभी भी तेज़ हवा चले हुई है, देखें पानी मौजूद है इधर, ये देखें सारा पानी है। अभी कुछ खुश्क हो गया, वो देखें फैसल वाली जगह पर कितना पानी खड़ा हुआ है। तो अम्मी खाना बना रही हैं फैसल भाई और समीना बाजी के लिए, तो ये ना गीली हो गई है क्योंकि इसका जो है ना इधर किल नहीं लगा हुआ, इस वजह से ये गीली हो गई है। देखते हैं कि अम्मी क्या बना रही है। समीना बाजी भी इधर आई हुई है, ओए मैं खुद गीला हो गया हूँ। ये देखें सारी छाट इधर पानी की आई है ना, इस वजह से समीना बाजी अब जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अम्मी? तो देखें बस अम्मी ने भिंडियाँ बनाई हैं माशाल्लाह। तो बस समीना बाजी और फैसल भाई ये खाएंगे क्योंकि हमने तो सहरी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी इधर से पानी आ रहा है ये देखें, तो ये भी एक बहुत परेशानी वाली बात है, ना दरवाजे हैं ना कुछ। तो इंशाल्लाह जगह फिर जो है ना वो बनने भी है। बड़े भैया तो आधिया देखा हालात नहीं, बारिश की ना आधिया जब मी झाड़ की नहीं जल्दी बड़े दा चाके उन्हें बहुत दे कि दरवाजे लगे दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बन जाएगी, आप दुआ करें, आप दुआ करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएगी। लेकिन अभी गीली हो गई है बारिश की वजह से, ये देखें आग भी नहीं जा रही माशाल्लाह। नाब फैसल भाई अभी तक सोए हुए हैं, हवा खिड़की से आए हुए हैं माशाल्लाह, सुकून से सोए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी धूप निकल आई है, मौसम साफ हो चुका है। तो अभी मैं सिटी जा रहा हूँ क्योंकि सामान लेके आना है, दावत करनी है, तो दो देगों का सामान लेके आना है। तो उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल अपनी जो है ना सेट करवानी है, इसकी ट्यूनिंग मोबिलियर चेंज करवाना है, काफ़ी ऐसा हो गया है इसको जो है ना सेट नहीं करवाया। तो अभी सिटी चलते हैं, उसके बाद आके अम्मी और मैंने फिर दोबारा सिटी जाना है, फिर दोबारा सामान लेने भी जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम साफ हो गया, बादल अभी हैं तो सही लेकिन कम है, हवा बहुत तेज़ चले हुई है। मैं बाहर आ चुका हूँ, दादाजी धूप लगवा रहे हैं, हमारी सड़क के हालात हैं। तो इधर जो है ना चौक पर झूपें भी लग गई हैं, जो है ना फकीर लोग इधर आए हुए हैं। तो ये हमारी सड़क है, सारा पानी खड़ा हुआ है, ये देखें थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड बिल्कुल साफ है, पानी बिल्कुल नहीं है, ये न्यू रोड बना है। सिटी के हालात हैं, सारा पानी सड़क पर खड़ा हुआ है। अभी मैं आ चुका हूँ मोटरसाइकिल वर्कशॉप पर, तो ये देखें ये किक जो है ना किक के साथ फंसा है, तो ये स्लिप हुआ है, ये जो है ना फट गया है, इधर से सारा पानी है। तो शहर के कोई हालात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिटी से मैं वापस आ गया हूँ, तो सामान मुझे नहीं मिला, तो वो मेरे बहनोई अब बस्ती मुलुक से आ गया, तो वहाँ से जो है ना चाइनीज़ चावल तैयार करने हैं, तो वहाँ से वो सामान लेके आएंगे। एक दो आइटम थे यहाँ से मैंने लेने थे तो वो मुझे नहीं मिले, बस मैं बाइक दे के वापस आ गया हूँ। तो अभी अम्मी और मैंने सिटी जाना है, तो इधर बैठी हुई है समीना बाजी। क्या हाल है समीना बाजी?
ये देखे आईना देख अभी यार अभी बस क्या हाल है समीना बाजी तेरी तेरी क्या हाल है तेरी ये देखे ये खुद बात कह अभी या मुझे जवाब नहीं दे अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फयाश हो गया हूँ कपड़े शूज चेंज कर लिए हैं क्योंकि वो तो वैसे ही फट गई है सलवार अम्मी अब जो है ना पगोपा भाई के देगी अम्मी मुझे गौर से देख रही है कि कैसे फट गई है पता नहीं तो अम्मी इधर बैठी हुई है क्या हाल है अम्मी तो अम्मी मुँह हाथ वगैरह धोए भी हैं क्योंकि अम्मी ने मेरे साथ जाना है सिटी तो अम्मी वो जो सलवार है ना वो फट गई है नीचे से क्यों फट गई वो जो है ना किक में फंसी है और फट गई है हाँ बस वो फिर जो है ना तरूपा आप जो है ना लगा देना चले आप जो है ना जल्दी तैयारी कर ले हमने जाना है फिर जो है ना दावत का इंतजाम भी करना है तो अभी मैं दादाजी को बुलाने के लिए आया हूँ क्योंकि दादाजी घर का ख्याल रखेंगे फैसल भाई समीना बाजी का तो हम सिटी जाएंगे तो दादाजी कुरान पाक की तिलावत कर अस्सलाम वालेकुम दादाजी दादाजी आप कुरान पाक की तिलावत कर ले फिर उधर घर आ जाएं हाँ हमने सिटी जाना है जनाब फैसल भाई भी उठ गए हैं और नीचे बैठे हुए हैं उठो फैसल भाई ऊपर आ जाओ चाय पाई पर उठो शाबाश उठ जाओ फैसल भाई उठो इधर आओ हेलो आओ सलाम करो मुझे सलाम करो क्या हाल है ठीक हो तो भी बस देखे माशाल्लाह फैसल भाई खुश खड़ा हुआ है तो पंखा भी अब जो है ना फैसल भाई का चल गया है क्योंकि मौसम साफ हो गया धूप निकल आई है तो फैसल अभी माशाल्लाह काफी खुश खड़ा हुआ है अभी मैं हाफिज साहब के पास जा रहा हूँ क्योंकि बाइक लेनी है तो मेरे जो कज़न हैं मेरे जो चाचू हैं सब जो है ना काम पर चले गए हैं तो वो अपनी बाइक ले गए हैं तो उसके बाद जो मेरी बाइक है वो बनने के लिए शॉप पर गई हुई है तो पता नहीं हाफिज साहब सो तो नहीं है दरवाज़ा बंद किया हुआ है दरवाज़ा खुल गया है अस्सलाम वालेकुम अभी सोए हुए थे यार आपको डिस्टर्ब किया है चलो सो अभी तो आप ना मोटरसाइकिल की चाबी तो दें क्योंकि मैंने सिटी जाना है मेरी जो मोटरसाइकिल है ना वो बाइक शॉप गई है बनने के लिए बहुत मेहरबानी आपकी जजाकल्ला चाबी ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मोटरसाइकिल लेके चलता हूँ मीना बाजी कहती है कि आप लोग सिटी जा रहे हैं मुझे शैम्पू और जो है ना नीमको दाल लेके दे दें क्योंकि मुझे भूख लगी हालांकि इसने खाना भी खाया है ये ले समीना बाजी ये नीमको दाल भी है शैम्पू भी है ठीक है चलो अभी जो है ना हम सिटी जा रहे हैं अम्मी भी आ गई अम्मी बैठे हैं जल्दी करे देर हो रही है दावत भी आके करनी है क्योंकि चरहोए की भी कॉल आ रही है उधर से मेरे बहनोई की भी कॉल आ रही है मैंने कहा कि बहनोई को कहा कि आप आ जाएं जल्दी जल्दी इधर से चरहोया भी आ जाएंगे आप सामान वगैरह उनको दें वो बनाएं हम भी आ जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मेन रोड पर आ गए हम 50 की स्पीड पर जा रहे हैं तो अभी जो है ना काफ़ी सफाई कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये भट्ट है ईंटें पकाने वाला भट्ट है उसके सामने ये नई जो है ना फैक्ट्री बनी है फीड की तो मुर्गियों की गिजा होती है तो उसकी ये फैक्ट्री बनी है सिटी पहुँचाई है तो ये मेडिकल स्टोर है इधर से हमने खजूर लेनी है उसके बाद ये देखें माशाल्लाह से इस शॉप पर खुश्क चीज़ें और मेवा जात बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो यहाँ पर देखें खजूर की वैराइटीज़ मौजूद है तो माशाल्लाह से ये खजूर हमने लेनी है दादाजी के लिए तो और खजूर भी बहुत है और खुश्क मेवा जात इनके पास होते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे तो हम ये खजूर लेते हैं आधा के जी बस भी जो है ना हम स्ट्रॉबेरी और खरबूजे ले रहे हैं माशाल्लाह से स्ट्रॉबेरी बहुत ही प्यार हाँ अखबार लगा दो तो उसके बाद ये देखें जो है ना खरबूज है अफ्तारी के लिए और बहन भाइयों के लिए लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आ चुके हैं घर तो ये सामान अम्मी को मैं निकाल के देता हूँ ये ले अम्मी ये खजूर उसके बाद ये क्या कहते हैं खरबूज ये पकड़ें उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी फैसल और समीना बाजी को अभी बना के दें बाकी अफ्तारी के लिए रख दें अभी जो है ना साजिद भाई भी आ गए हैं और चरहोया भी आ गया देगे बने भी लेकिन अभी नमाज का टाइम है पहले नंबर पे नमाज पढ़ते हैं उसके बाद दूसरे काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुहर अदा कर ली है तो अब मैं आप सब बहन भाइयों को बताऊँ कि अम्मी और मैं सिटी क्या करने गए थे
तो एक बाजी हैं यूके से, उन्होंने एक देख के पैसे भेजे हैं कि ये माह रमज़ान के लिए दावत करें और लोगों के घर में तकसीम कर दें। तो उसके बाद एक और आंटी हैं, उन्होंने इरफाना बाजी के सारे सवाब के लिए एक देख का कहा है। चाइनीज़ चावल हम तैयार कर रहे हैं, आज कुछ नया बना रहे हैं, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मतलब कि हम चाइनीज़ चावल बना रहे हैं। तो आप सब बहन भाइयों से भी शेयर करते हैं। और देखें जी, इधर जो है ना सारे लोग काम कर रहे हैं। दादाजी भी इधर आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम, सबको सलाम हो गया। अच्छा दादाजी, आप क्या काम कर रहे हैं? मैं मटन काट रही हूं। अच्छा, आप मटन निकाल रहे हैं। तो इधर जो है ना, ये देखे गोश्त उबल गया है, तो आप जो है ना इसकी वो क्या होती हैं, छोटी छोटी ऐसे कीमा बना रहे हैं, छिंगे बना रहे हैं, हम सवैकी में कहते हैं छिंगे। तो इधर देखें, ये शिमला मिर्च की कटाई हो गई है, माशाल्लाह से कुछ इधर बची हुई भी है। तो गोश्त वो बना रहे हैं, मटन दादाजी ने सारे आपने निकाले हैं? नहीं, आपने थोड़े निकाले हैं। अच्छा, तो देखें जो है ना इधर हारिस को देखें, ये जो है ना गाजरों का जो है ना कचूमोय बना रहे हैं। तो गोभी भी आ गई है, बंद गोभी की कटाई हो गई है माशाल्लाह से। देखें, चाइनीज़ चावल बनाने के लिए सारे आइटम आ गए हैं, जो सब्ज़ी वाले आइटम हैं और गोश्त वाले। बाकी अभी जो है ना साजिद भाई आ रहे हैं, वो लेके आएंगे। देखिए, पहले घी के अंदर जो है ना मटन फ्राई किए, अब जो है ना अंडे भी डाल दिए हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ बनते हैं मेरे ख्याल में। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह चावलों की धुलाई हो रही है माशाल्लाह से, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना खाका वगैरह होता है, तो इसकी अच्छी तरह हम धुलाई करते हैं पहले। चाचू जो है ना गोभी की कटाई कर कीमा कर रहे हैं, सलाद बना रहे हैं, हम दिखाने तैयार करके देंगे आपको इंशाल्लाह। हाँ, बस देखें सारे जो है ना मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं सब चीज़ें, बाकी जो है ना बाद में गोभी और गाजर जो है ना बाद में डालेंगे। तो आप देखें गाजर जो है ना डाल रहे हैं, देखें आप जो है ना गोभी भी डाल रहे हैं माशाल्लाह। तो इधर देखें मसाले डाल रहे हैं। हाँ, पटाखे बच रहे हैं, ये देखें। ये दो बिरयानी के और दो जो है ना कढ़ाई मसाला, इसमें कढ़ाई मसाला क्यों डाल रहे हैं? जायके के लिए। अच्छा, जायके के लिए, वो तो फिर जो है ना गोश्त के लिए नहीं होता जिसमें गोश्त है ना। अच्छा, तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ चावल तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें बस अलग अलग चावल, बिल्कुल अलग अलग चावल, ये मिक्स नहीं करेंगे, बस ऐसे हल्का सा मिक्स करेंगे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों देखे तैयार होकर घर आ गई हैं, शापाई भी हम ले आए हैं। तो अभी पहले दादाजी से दुआ मंगवाते हैं, उसके बाद शापाई बनाते हैं। दादाजी दुआ मांगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तहमिलना मा ला तौक़ता लना बिह, अल्लाहुम्मा आमीन। ला वक़्फ़ वना वक़्फ़ लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन।
उस वक्त दुआ मांग के हम नमाज असर पढ़ने गए थे क्योंकि टाइम हो गया था। तो अभी एक घंटा बाकी है अफ्तारी में से तकरीबन एक से सवा घंटा। तो अब हमने शापे बनाने हैं, खुद शापे बना के फिर जो है ना सबको तकसीम करने हैं जहाँ जहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अभी बस अल्हम्दुलिल्लाह इस देख के शापे बन गया, देखे माशाल्लाह काफ़ी सारे शापे बन गए हैं। तो मैं जो है ना शापे के अंदर डालता हूँ, अब इस देख को हटा दें, वो वाली देख खोलते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये शापे बन गया है टोटल माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जो है ना तकसीम करते हैं, दोनों देगे खाली हो चुकी हैं। बस अब जो है ना गट्टू के अंदर डाल रहे हैं सारे शापे, इंशाल्लाह ये गट्टू फुल हो जाएगा शापों से। तो फिर जो है ना मोटरसाइकिल पर रख के सारे घरों में इंशाल्लाह तकसीम कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना गट्टू फुल हो गया है, बस 20-25 मिनट रहते हैं और इंशाल्लाह हम तकसीम कर लेंगे। बस अभी इस घर में दिया है, काफ़ी दूर आए हुए हैं माशाल्लाह से, शापे बहुत ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि दूर दूर तक पहुँच गया। देखिए जी एक और बस्ती में हम आ गए हैं, तो इधर गरीब गुरबा लोग हैं। तो ये आपका एक घर है ना, चलो ये आपके लिए एक जो है ना ऑफर है कि आपको मैं दो शापे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना अभी बस कपड़े भी बनाते हैं, तो इसका ये जो है ना एहतराम किया है, मैंने दो शापे दिए। तो अभी इधर एक शापे देते हैं, ये ले, ये एक और भी ले ले, एक मिनट साजिद भैया एक मिनट, ये छापा छोटे हैं ये ले दो, इन्हें दुआ करना चले कि ये आंटी कनीजा के पास मैं आया हूँ, ये जो है ना मैं दो छापा इनको दे रहा हूँ। तो ठीक है काफ़ी है ना, हाँ रोज़ा बाजी। हाँ बस दुआ करे बाजी के लिए जिसने दावत की है। तो और वो आप यमी है ना जी, उनके गाय में मैंने छापा एक दे दिया, दो दे दिया बल्कि। अभी बस माशाल्लाह से ये हकदार लोग हैं, खुशी हुई है बहुत इनको जो है ना दावत देकर, क्योंकि हम अक्सर लोग जो होते हैं ना दावत करके ना हम वहाँ पे देते हैं जहाँ पे सलाम दुआ होती है, मुंह मत्थे लोग लगते हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुँचाते जो बेचारे हकदार होते हैं, मुस्तहिक होते हैं, जो बेचारे ये अच्छी चीज़ बना के खा भी नहीं सकते। तो मुझे दिल से खुशी हुई है कि मैंने इनको दो दो शापे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोग हैं दुआ करेंगे। ये जो है ना मजदूर लोग हैं, इनको मैंने दो हिस्से दिए हैं, तो ये वो कंपेन वाले हैं, ठीक है दुआ करना। अभी बस अकमल भाई के घर आ गया, ये एक शापा आपका हो गया, ठीक है आपकी फैमिली का। अच्छा उसके बाद चाचा मुज्तबा साहब अस्सलाम वालेकुम, ये ले ये एक शापा आपका हो गया। उसके बाद एक और शापा चाचा मुर्तजा का हो गया, ठीक है। जहांगीर के घर का जहांगीर के घर का भी तो चौथा शाप। अच्छा माशाल्लाह इनकी फैमिली बहुत लंबी है, तो माशाल्लाह से ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, ठीक है दुआ करना दावत कबूल हो अल्लाह। हाँ ठीक है, बस इधर झोपड़ियाँ लगी हुई है शापर इनको देते हैं। नहीं नहीं एक एक झोपड़ी में एक शापर, ठीक है चाचू। हाँ चाचू को सर लेने आए, एक शाप नहीं नहीं एक ये देखे बच्चों के एक में लड़ाई ना कर यार, देख यार ऐसा गलती क्या क्या आ गया है निकी तू मान जवान ही को खड़े यार रोजे बस झूपे वाले के पास आकर हमने गलती कर दी है। ये देखे साजिद भाई फंस गए, अब ऐसे पता नहीं अब पता नहीं क्या हो गया, देखे तो सही सफाई भी नहीं है इनके अंदर बिल्कुल भी। ये देखें हेलो यार सारा कुरे ने सब पैदा कर, ये देखें ये देखें भी बात वो फट गया छापा फट गया है यार, ये क्या है ये क्या है।
बस अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम घर पहुंच आए हैं, तो दावत हमारी बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह से। मुझे दिल से खुशी है कि उन लोगों तक चावल पहुंचे हैं जो बेचारे अच्छी चीज़ बना के नहीं खा सकते, सच में गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो उन तक चावल पहुंचे खुशी है। बहरहाल जी, ये जो फकीरों के बीच में हम फंसे हैं ना, कसम से, बस जब मुझे खाना दिया ना साजिद भाई ने, मुझे तो वो लंबा पा देते हैं, बस कुछ देती सारे जो है ना मेरी कुछ टांगों में, कुछ जो है ना हाथों में, ऐसे जो है ना वो गट्टू को खींचने लग गया है। ये जो है ना पता नहीं इनके अंदर सब भाई नहीं होता बिल्कुल। तो अब अफ्तारी का टाइम भी हो गया है, तो मेरा गला भी खुश्क हो गया है, ज़बान भी खुश्क हो गई है, तो अभी 2-3 मिनट रहते हैं। तो आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है, अल्लाह पाक ये हमारा काम करना कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमारी ये दावत कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक मेरी बहन इरफाना बीबी को अल्लाह पाक जन्नत के हसीन बागों में जगह अता फरमाए। मेरे वालिद और मेरी बहन एक और भी थी जो वफात पा चुकी थी पहले से, उनकी भी अल्लाह पाक बख्शिश और मगफिरत फरमाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।